मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैन कार्ड जो है ये ऐसी चीज़ है जो कि लगभग सभी के पास होता है, और जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और जो नहीं आते, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। जो परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कराता है, इससे ही बेस्ड आज का जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपको ये बताया जाएगा आज कि जो पैन कार्ड आपके पास होता है उस पर मान लीजिए आपकी कोई FD है और आप उस दायरे में नहीं आते हैं इनकम टैक्स भरने के, लेकिन आपका भी कोई TDS कटता है, और अगर TDS कटता है तो ये जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलेगी, और जितने भी अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके पैन कार्ड से जुड़ी हुई होती है वो सभी जानकारी आप कैसे देख सकते हैं, कितना टैक्स का डिडक्शन हो रहा है, कितना TDS आपका कट रहा है, और अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप उस कटे हुए TDS को जो है किस तरीके से ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, करना क्या है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जो है लॉगिन करते वक्त आप अपना पैन कार्ड यहाँ पर डालेंगे, ये आपकी यूज़र आईडी होगी, और इसके बाद जो है आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड जो है डालना होगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया होगा पासवर्ड, तो हम यहाँ पर जो है पासवर्ड इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ मैसेज पर कंफर्म करते ही यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों जो होम पेज आपका आएगा, आपकी जो कह सकते हैं प्रोफाइल स्टेटस एक डैशबोर्ड ओपन होगा, ये आपकी यूज़र आईडी लॉगिन करने के बाद जो है आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेब पेज पर आ गए हैं, जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन, आपके टैक्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आपका फाइल रिटर्न, आपका वेरिफिकेशन ई फाइल का, सभी कुछ आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको अपने पैन कार्ड की अगर जानकारी चाहिए तो आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ पर ई फाइल वाले ऑप्शन में, ये आप देख पा रहे हैं। ई फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ से आपको जाना है व्यू फॉर्म 26AS। दोस्तों, यही वो फॉर्म होता है जिसमें आपके टैक्स डिडक्शन की सारी जानकारी होती है। ये एक मैसेज आया है, ये आपको बताएगा कि ये आपको जो है एक दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी। ये दोस्तों देखिए आप, हम ट्रेसेस की जो वेबसाइट होती है जहाँ पर जो है ये टैक्स डिडक्शन की पूरी जानकारी होती है, यहाँ हम इसे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हम इसे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये जो TDS ट्रेसेस की जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिख रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहाँ पर हमें जो है क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपको असेसमेंट ईयर जो है सिलेक्ट करना है, जिस भी ईयर का आप जो है देखना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 21-22 का, और 21-22 का असेसमेंट मतलब कि 20 और 21 का जो है आपका टैक्स डिडक्शन इसमें कैलकुलेट होकर आएगा। अब आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको, HTML में और टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर HTML करने के बाद व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे आपकी पूरी जानकारी आ गई है। आप यहाँ से चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसे PDF में, हम आपको यहाँ से PDF पर भी एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं। जैसे ही हम यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे, एक फाइल जो है वो आपके PDF के फॉर्म में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, और उसको जो है आप बाद में जो है उसको भी देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे हैं नीचे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, उन ऑप्शंस में जो है ये आप देख सकते हैं, ये फाइल डाउनलोड हो गई है, ये फाइल यहाँ पर आपकी PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो गई है, इसमें आपकी जानकारी, ये हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। ये जो PDF दोस्तों आया है, इसमें जो है ये फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ये होता है अंडर सेक्शन, और इसी के साथ जो है आपका नाम, आपके पैन कार्ड का स्टेटस, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, इसी के साथ जितने भी जो डिडक्शन होते होंगे। देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप पार्ट ए में
ये जो डिटेल है, क्योंकि ये फॉर्म 56G और 50H सबमिट किया हुआ है, इसीलिए ये जो टैक्स डिडक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैलकुलेशंस हैं, लेकिन टैक्स डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार उस दायरे में नहीं आते हैं इनकम टैक्स स्लैब के और TDS स्लैब के, तो आपका टैक्स नहीं कटता है, लेकिन आपके पैन कार्ड से रिलेटेड जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। तो आप यहाँ पर जो है दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं, और अगर आप जो है FD या जो भी चीज़ें होती हैं उनके टैक्स स्लैब्स के अंदर हैं और बाहर नहीं हैं, तो आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं, फॉर्म 15G 15H, आपके रिलेटेड बैंक में। इससे आपके टैक्स डिडक्ट, ये आप देख सकते हैं टैक्स डिडक्शन आपको जीरो दिख रहा है और टैक्स की कैलकुलेशंस दिख रही हैं, लेकिन आपका टैक्स यहाँ पर नहीं कटा है। तो ये दोस्तों आपके पैन कार्ड की पूरी जानकारी होती है, और इसी ही जानकारी से जो है आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है टैक्स अगर कट रहा है TDS, तो वो जो है कितने सेक्शंस में, किस किस बैंक में आप जो है कट रहा है। तो ये दोस्तों पूरा आपके पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, A to Z इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो है देखिए आप 4 पेजों में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ आप जब यहाँ ड्रैग करके आएंगे और आप PDF को डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस जानकारी को देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपको प्रॉपर इसकी जानकारी दिख रही है। और ये आप जैसे ही यहाँ पर ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है, आप यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन दिखेगी। जो कैलकुलेशन यहाँ पर डिडक्ट होने का जो तरीका होता है, वो सब यहाँ पर A to Z डेट वाइज और सेक्शन वाइज दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक आसान सा तरीका था, इससे ही जो है आप इजीली अपने टैक्स का कैलकुलेशंस और आपके पैन कार्ड पर कितने हम कह सकते हैं डिडक्शंस हो रहे हैं, जितने भी आपके अकाउंट होते हैं, उसकी पूरी जानकारी इजीली आप जो है एक प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो लोग टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं और नहीं आते हैं। अगर उनका कोई डिडक्शन, कोई TDS कहीं कटता है, तो वो इस तरीके से जो है पूरी जानकारी यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।